सीटिंग अरेंजमेंट की सेकंड एक्सरसाइज सबने कर ली थी। सीटिंग अरेंजमेंट की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ फिगर, पढ़ चुके हैं या नहीं? वेरी गुड, अच्छी बात है, हम चाहते भी थे कि तुम लोग ना पढ़ चुके हो। चलो शुरू करें आज। कितने ट्रायंगल? पूरी क्लास में एक्टिव रहिएगा, अगर एक्टिव रहेंगे तभी ट्रायंगल कैसे काउंट करना यही प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास में प्रॉपरली एक्टिव रहिएगा। वन ट्रायंगल। नाउ अभी कितने ट्रायंगल? थ्री। कैसे काउंट किया? एग्जैक्टली, आपने देखा कि वन टू वाले की बड़ा वाला थ्री हो रहा है, तो आपने तीन गिन दिए, है ना? चलो इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? आरिश, टेन। कैसे? एग्जैक्टली, ठीक है। देखो क्या करते हो, जब हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, हमने इसको 20 से दो पार्ट में डिवाइड किया, तो आपने कहा कि एक दो और एक बड़ा वाला तीन। अगर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं, वन एंड टू, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया? थ्री। ठीक, तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वन टू थ्री एंड फोर, और सारे के सारे को ऐड करोगे तो वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए आपके पास में? टेन। इज इट क्लियर? ठीक, चलो अब हम एक फिगर देते हैं, जल्दी से आंसर तुम लोग बताओगे। अभी बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, गिनने की जरूरत नहीं है। 21. सबका 21 आ गया। yes, चलो अब इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट में हमने इसको काट दिया। अब बताओ सेम ट्रायंगल को हमने तीन पार्ट में काट दिया, 42. हाउ? एग्जैक्टली, आपने यहाँ से क्या किया था, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो आपको कितना आ गया था, 21, है ना? तो आप ये कह सकते हो कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि 21 यहाँ पे, 21 यहाँ पे और 21 यहाँ पे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हो गया क्या, 63। हम इसीलिए हंस रहे थे, तुम लोग को समझ में नहीं आया कि तुम लोग गलती कर रहे हो, और डायरेक्टली अगर करते हैं तो क्या करते हैं, देखो ये 21 हुआ, ये कट कितने पार्ट में रहा है इसको देखेगा, 1 2 3, तो डायरेक्टली 21 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो भी आपका आंसर कितना आ गया, 63। अभी बताओ किसी का 63 आया था? हाउ? जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस, बीच वाले में भी तो ये बनेगा ना यहाँ तक का, okay. ऐसे अभी समझ में आया? तो 21, 21 एंड 21, 63 या फिर डायरेक्टली 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 63। इज इट क्लियर? यस मैम। जितने लोगों का 42 आ रहा था उन लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे 63 आना है? यस मैम। ठीक, अभी मैं देखो वन बाय वन हम क्वेश्चन के लेवल्स को चेंज करते हुए ही चलेंगे, तो जहां कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा ना पूछ लेना। चल लाइन मेरे नीचे तक जा रही है, उसको समझिएगा। अभी बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल।
मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। Now 52। एक आंसर हमको मिल गया क्या 52। अभी हम चेक करते हैं कि कितना होता है। बाकी लोग दो लोगों का आंसर 51 आ चुका है। बाकी लोग का भी देखती हूँ मैं। बाकी लोग 51 अगेन। एनीवन एल्स? कोई ऐसा जिसका 51 भी ना आ रहा, मतलब सॉल्व ही ना हो रहा हो? या श्योर यू कैन टेक योर टाइम। तीन ऑप्शन हो गए, एग्जाम में भी चार होते हैं, एक और दे दो। अच्छा तो मैं दे दूं नन ऑफ दीज? ओके ठीक है, चलो हमने एक ऐड कर दिया क्या, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं किसका आंसर सही है। सबका हो गया, मैं चेक करूं अब। चलिए या शो डू फास्ट। नंबर ऑफ ट्रायंगल में सीखने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। 54? Yes, अच्छा एक ऑप्शन और बढ़ गया, कोई नहीं अभी देखते हैं किसका सही है। क्या आ रहा है बेटा? 150। भाई नन हाँ 153। कोई नहीं शांत शांत। अब मैं बताऊं? चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो जाएंगे? 21। ये 21 आपका दो पार्ट में कट रहा है, 1 और 2। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कितना आ गया? 42। इज इट क्लियर? चलो यहां से देखिए 1 और 2 तो कितना? 3। यहां पे देखिए 1, 2, 3 तो कितने? 6। हाउ 61 पहले ये 6 तो 42 + 9 6 + 3 कितना? 9। तो 42 में जब 9 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 51। 51 क्या किसी का आंसर था? Yes, ma'am. 54, 50 बचा, 52 है 50 चा 51। तो जितने लोगों का 51 था, हाँ ठीक है, जितने लोगों का 51 था उनका सबका सही, बाकी सारे आंसर गलत। अभी क्लियर? एक मिनट आराम से, एक ही बार में एक एक लोग बोलो भाई। हाँ क्या एक बार में बोलो बोलो? कहाँ ट्रायंगल नहीं दिख रहा? भाई इसके जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन सिखाया था, ये अगर हम ऐसे फिगर बनाते हैं ये वाला, और अगर हम इसमें पूछते हैं तो क्या करोगे? इसमें बताओ, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं? 12। क्यों? 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो सेम वैसे ही ना, सेम वैसे ही। तो बेटा बीच में एक लाइन तो यहाँ पे भी तो है, ये देखिए ये मैंने हाईलाइट करी है येलो से, तो बीच में एक लाइन ये है जो कि इस बड़े वाले ट्रायंगल को दो पार्ट में काट रही है। तो अगर आप देखोगे तो आप क्या कह सकते हो कि 21 आपका नीचे वाले से और 21 आपका ऊपर वाले से, इन दोनों को मिला के आपका 42। हमने सिर्फ पहले इतने पे ही वर्क किया, बाद में हमने इधर 3 पे वर्क किया, बाद में हमने 6 पे वर्क किया है। ठीक, अभी डाउट सबका क्लियर है। एक फाइनल डायग्राम दे रहे हैं, इसके बाद हम नए तरीके पे मूव करेंगे। एक फाइनल हम दे रहे हैं, इसका सबका आंसर सही होना चाहिए।
इज इट क्लियर? यस यस मैम। गुड, चलो गिनो बैठ के। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन तब जब सबका आंसर सही होगा। गिनो। मैम 16। हाँ Anyone else? 62. भाई और 60 अगेन, और कोई 50। अपने मन से तो नहीं दे रहे हो आंसर ना, गिन के दे रहे हो ना? नहीं मैम, गिन के मेरे पार्टनर। हाँ ईमानदारी। अच्छा ईमानदारी से, ओके डन। सबका क्लियर? मैं शुरू हो जाऊँ? मतलब मैंने सोचा था कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, लेकिन इसमें भी तुम लोगों ने अलग अलग तरीके से आंसर देके कंफ्यूज कर लिया खुद को भी और हमको भी। चलिए 1 2 3 4 5 कितना? 15। ये 15 कट कितने पार्ट में आया? 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 तो 15 × 3 इज 45। इज इट क्लियर? 1 एंड 2 3 ये 3 कितने पार्ट में कट रहा है? 1 2 3 तो यहां से कितना? 9। ओके यहां पे 1 2 तो यहां से कितना? 3। और ये 3 कितने पार्ट में कट रहा है? 2 पार्ट में, तो यहां से कितना आ गया? 6। यहां तक किसी को कोई डाउट? no, तो 9 एंड 6 कितना? 15। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए, 45 प्लस 15। 60। तो जितने लोगों ने सबसे पहले 60 आंसर किया था उन सबका सही है, बाकी कहां गलती कर रहे हो भाई? अभी क्लियर? यस मैम। हाँ 60। ठीक आ जाओ। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 1 1। अभी 5 5 5 गिन लिया? Six. अरे नहीं, 6 yeah. नहीं होगा बेटा, 5 ही है। यहां पे गिनना जरा, काउंट करो जरा, दिख रहा है ना प्रॉपरली? विजिबल है? हाँ 15। ओके सबका, अच्छा तुम्हारा आंसर ही नहीं आया या फिर 15 नहीं आया? अच्छा 15 नहीं आया, कितना आया? अच्छा 15 आ रहा है, 11 आ रहा है, और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। 13। अच्छा आंसर ला कैसे रहे हो, काउंट करके? यस मैम, मैंने तो इसमें 3 आपने कर दिया ना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तीन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत, यहाँ पे तुमने गलती कर दी। देखो गिनने वाले जो गिन रहे हैं ना वो भी सही ठीक ठाक ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना एक्यूरेसी लाने के लिए और टाइम बचाने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अगर ट्रिक को, चलो यहाँ पे देखो आप जब गिन रहे हो, देखो इधर समझो पहले, अच्छा 1 2 3 4, अरे क्या बड़ा वाला 5, आपने 5 गिन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 ही आ रहा है। बट अगर हम देखते हैं हम ट्रिक लगाते हैं तो उससे भी 5 आता है कि नहीं आता है। हम क्या करते हैं हमेशा, जब भी ये ट्रायंगल बनता है तो जब हम बीच में ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो ये अपनी लाइन की वजह से 1 2 3 ये तो बाहर बनता ही बनता है, बीच में अपने आप में बन जाता है, तो इसलिए ये 4 ट्रायंगल हमेशा बनते हैं, ठीक है। तो 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर से और उसमें हम प्लस करते हैं क्या, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमने अंदर कितना ट्रायंगल ड्रॉ किया था, 1, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 ट्रायंगल ड्रॉ किया था, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज 5, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न एवरीथिंग इज सेम, 4 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस 1, 1 2 3, तो 4 3 12 12 प्लस 1 13। देखो इन फ्यूचर ना जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे ये वाला, yes, है ना। इन फ्यूचर जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप बिना पेन उठाए खटखट करके गिनो के अंदर से 1 2 3 4 4 4 16 प्लस 1 17, तुरंत आंसर दोगे, मतलब लेस देन 30 सेकेंड, नॉट 30 सेकेंड, यू कैन से। हाँ बेटा अंदर कितने ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ पे हमने 1 2 और 3 ट्रायंगल बनाए थे, ठीक। अगर हमने हाँ जी अच्छा दिख नहीं रहा है, रुको अभी दिखेंगे, अभी दिख रहा है, अच्छा अभी हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया और अभी हम तुमसे पूछते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हैं, तो बता अभी बताओ शक्तिमान, 21, 1 2 3 4 5 4 5 20 20 प्लस 1 21, खत्म, इजी, गुड। यस मैम, नहीं नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, दिख रहा है ना क्लियर, गुड। ओके डन, 36, दो लोग का आंसर आ गया 36 हमने लिख दिया। और बताइए भाई, यश यू कैन टेक योर टाइम, I'm 33, इतना डर के क्यों बोल रहे हो भाई, 31 और 36 ही है, तीन आंसर मिल चुका, 36 33 31, और कुछ अच्छा नन ऑफ द अबव, पता नहीं अभी किसी ने किसी का एक और निकल लिया है,
है कोई? 36 आ रहा है. ओके डन. हाँ कुछ और आ रहा है? चलिए कॉन्सेप्ट 1 2 3 कितना? 6. 6 यहां से, 6 यहां से और 6 यहां से, टोटल कितने? 18. प्लस, ये प्लस है, इसको 4 मत समझ लेना. प्लस 1 and 2 तो यहां से कितने? 3. 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 9. अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जो बड़े वाले ट्रायंगल हैं, तो एक बड़ा ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये. अभी बताओ कितने हो गए? 18 प्लस 9 प्लस 3 30. कोई डाउट? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? None of these का ऑप्शन, none of. ये पहले ये बताओ, ये जो तो तुम लोगों ने तीन आंसर निकाले, इसका क्या करना है? मैम देखिए ना, जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है उसको भी तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 into. बेटा वो 4 into वाला कॉन्सेप्ट अगर ले करके चलोगे तो फिर बीच वाले रह जाएंगे, और इससे जब करोगे तो वो हमेशा ज्यादा आएंगे. आप ऐसी कंडीशन में हमेशा ये करोगे क्या कि यहाँ से देखो इन पे अलग अलग पे ये वाला लगाओगे पैटर्न, ठीक है? अलग अलग पे ये पैटर्न लगा करके और जितने बड़े बड़े ट्रायंगल होंगे आप उसको गिन लोगे. तो बड़ा ट्रायंगल 1 2 3 खत्म. अभी क्लियर? सो आंसर ठीक है, नन ऑफ द अबव. इस पैटर्न पे एक और करवाऊं या फिर नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करूं? अच्छा एक और करवा दें. चलिए All the best. Fifty-five. कुछ और? 53. Okay, done. Anyone else? None of the above का पीछा छोड़ दो, हम तुम्हारे आंसर में से एक सही कर दें. 57. अरे भाई साहब, 51, 57, 54. और कोई है? शुरू करें अंताक्षरी. 1 2 3 4 कितना बना? 10. अब ये वाली प्रैक्टिस हो गई होगी, देखते ही आंसर करो. 1 2 3 4 यहां से भी कितना? 10. 1 2 3 4 यहां से भी कितना? 10. 10 10 10 30. चलो 1 2 3 कितना?
सिक्स वन टू थ्री सिक्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर टेन तो सिक्स ये बेटा तीन है देखो एक दो तीन कोई बात नहीं अभी चलो इसी पे प्रैक्टिस करते जो सामने बनी हुई है तो यहाँ से सिक्स यहाँ से सिक्स और यहाँ से टेन कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व एंड टेन ट्वेंटी टू ठीक अब उस 22 के बाद में गलती तुम लोग कहाँ कर सकते थे यहाँ पे जिसने इसको 1 2 1 3 काउंट कर लिया ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट करिए अगर 3 काउंट करते तो जब बड़े ट्रायंगल काउंट करेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा दो में से कोई एक चीज अपनाइएगा अगर इसको हम 3 लिखेंगे तो बड़े ट्रायंगल काउंट करते समय हम इसको काउंट नहीं करेंगे अदरवाइज हम यहाँ से सिर्फ 2 ही लिखेंगे तो हम मान लेते कि हमने यहाँ से लिखा 3 तो बड़े बड़े कितने 1 एंड 2 अब बताओ टोटल करो इसको जल्दी से 57 हाँ जी 57 तो जिस किसी का 57 था उनका सही है बाकी लोग का गलत अभी कोई बात नहीं बेटा पैटर्न क्लियर है हमें एक और क्वेश्चन है क्या एक और क्वेश्चन इस टाइप का बेटा अगर इसी टाइप का कराते रह जाएंगे तो नेक्स्ट टाइप का कब कराएंगे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ जाए ऐसे क्वेश्चन ना खुद से बना के प्रैक्टिस सुनो 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 सुनिए 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 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कैसे सॉल्व करना ये आपको क्लियर है घर में उठाओ पेन पेपर स्केल और जितनी मर्जी उतने ट्रायंगल बनाओ दिन भर गिनो ठीक है और उसके बाद से भी प्रैक्टिस नहीं होती है तो तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा आंसर गलत है सही है तो मुझे भेजो मैं चेक कर दूंगी तुम्हारा आंसर सही है या गलत है ठीक yes, आओ एक और पैटर्न देखते हैं रुको पहले इस पैटर्न से पहले मैं एक और चीज दिखा दूं स्टार कितने तरीके से बना लेते हो दो तरीके से एक तो ये वाला और एक कौन सा बनता है आपका हॉट स्टार वाला स्टार इज इट क्लियर यस दो तरीके से हम स्टार बनाते हैं अब इन दो तरीके के स्टार में जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है हाँ पहले में 8 है दूसरे में सिर्फ 5 है नहीं देखो 1 2 3 4 5 6 आउटर ट्रायंगल कितने 6 उसके अलावा तुम क्या कह रहे हो कि एक ये वाला बड़ा वाला एक ये वाला बड़ा वाला तो 6 प्लस 2 हमने कह दिया तो कितना आ गया 8 ये 8 सबका सही निकला था क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये हॉट स्टार वाले में हाँ बेटा नहीं बेटे 7 नहीं देखो 1 2 3 4 5 इतना दिख रहा है ठीक अब इसमें जैसे तुमने क्या किया कि इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ते हैं जैसे मैंने इस पॉइंट से पकड़ा तो भी ये वाला ट्रायंगल बनेगा हम अगर इस वाले पॉइंट से पकड़ेंगे तो भी यही वाला ट्रायंगल बनेगा इस पॉइंट से पकड़ेंगे तो भी यही ट्रायंगल बनेगा तो घूम घूम के वही एक ट्रायंगल बन रहा है अगर हम इस पे आते हैं तो जहां से ये 5 छोटे वाले निकल रहे हैं ना वहीं से 5 बड़े निकलेंगे कैसे अगर हमने इस पॉइंट को पकड़ा निकला ठीक इस पॉइंट को पकड़ेंगे ये मतलब क्या कि हर एक पॉइंट से एक छोटा एक बड़ा तो आप डायरेक्टली यह कर सकते हो कि 5 में मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 10 कर लो या फिर आप कह दो कि 5 बड़े और 5 छोटे तो आप यहाँ से भी 10 कह दो
ठीक। तो ध्यान ये रखिएगा सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जहाँ पे आउटर ट्रायंगल आपके पास में 6 है वहाँ पे आंसर 8 हो जाएगा, और जहाँ पे आपका आउटर ट्रायंगल 5 है वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस 2 करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2। इज इट क्लियर? यस। पक्का कॉपी कर रहे हो ना इसको साथ साथ में कहीं पे? गुड। शक्तिमान देखा है? शक्तिमान की नहीं देखा है? सबका कोई ऐसा जो गिन ना पाया हो? ओके चल 1 2 3 4 5 6 से कितना 8। जस्ट पहले पढ़ाया, अभी बिल्कुल जस्ट पहले पढ़ाया हमने 6 से कितना 8। इज इट क्लियर? यस। 1 2 3 4 5 6 ये सही है? यस। अब आते हैं कहाँ पे? हिडन फिगर पे। अगर हम हिडन फिगर की बात करते हैं तो देखिएगा जहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वाली लाइन पे एक, ठीक, सेम इसी पैटर्न पे इसके बगल से यहां से 2, ये बना 2 बने ये वाले, सेम पैटर्न इसी के जस्ट अपोजिट साइड पे यहां से, तो आपने यहां से निकाल लोगे तो कितना 3, और यहां पे कितना 4। ठीक, अभी रुको, बीच की लाइन ये, इससे नीचे की तरफ 5 और इसी से ऊपर की तरफ 6, कोई डाउट? और इन सब को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो मैंने ये बॉक्स बनाया था, यहां पे बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल सबका अभी। एट कैसे? 6। गुड, कैसे किया? काउंट किया? देखो करते कैसे, इसके लॉजिक कैसे अप्लाई होती है, 1 2 3 4, ठीक, गिन के देख रहे हैं पहले हम, ये हो गया 4, इस वाली लाइन से इधर की साइड पे 5, इधर की साइड पे 6,
इधर 7 और इधर 8, गिनने में 8 आ गया सबका। ट्रिक क्या होती है, 1 2 3 4, तो जितने भी आपके ट्रायंगल आएंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अभी सही, कोई डाउट? काउंट करना है। देखो फ्रेश फिगर पे दिखाती हूँ, देखना अभी पहले 1 2 3 4, इतना सही? ठीक, इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और सेम इसी पैटर्न पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, 2 यहाँ से निकले, और जब सेम इसी वाली लाइन से आएंगे तो यहाँ पे आकर के एक ट्रायंगल और एक इसके अपोजिट में, तो यहाँ से भी 4 निकल आएंगे। अभी समझ गए? यस मैम। आओ जल्दी से बताइए कितने आ रहे हैं। हाँ पहले वाले का बताओ, पहले वाले में 18। ओके सेकंड में, सेकंड वन 28, सबका आ गया, किसी को कोई डाउट? एक्सप्लेन करना है कि हो जाएगा, करना है। चलिए 1 2 3 4, 4 से कितने, 4 से 2, अभी जस्ट बताया जब 4 into 2 एग्जैक्टली, तो यहां से कितना 8 और यहां से भी 8, 8 कितना हो गया 16। और जब भी बी से एक लाइन ड्रॉ होती है ना तो ये अपने आप में एक हिडन फिगर ड्रॉ करती है, एक इधर से और एक कहां से, यहां से। दैट मीन क्या है कि इस वाली लाइन पे आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे, 2। साफ साफ दिख रहा है सबको? तो आप इस 16 + 2 किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 18। सेम आइए सेकेंड वाले फिगर पे, देन 8 8 and 8, कितना हो जाएगा, 24। ठीक, 2 हिरन यहाँ से और 2 हिरन यहाँ से, तो कितना हो गया ये आपका, 28। इज इट क्लियर? ये होमवर्क रखिए, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ये इसका सोल्यूशन पूछेंगे। यहाँ पे आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हैं, और हिडन फिगर ध्यान से देखना है। फिगर क्लियर दिख रहा है सबको? फिगर सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, किसी का आंसर अभी तुरंत निकल रहा तो बता सकते हैं, तुरंत अगर किसी का आंसर निकला हो तो बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। 36 39, दो आंसर मिले, और ऑप्शन बनाओ 29, बहुत कम है। बहुत इजी है,
8, 8, 8 and 8 कितना हुआ? 8, 8, 8 and 8 कितना? 32. हिडन फिगर पे आ जाओ. 2, 2 and 2 कितना? 6. हाँ बेटा, क्यों नहीं बनेगा? जब आपका जो फिगर यहाँ से ऐसे बन सकता है वो आपका ऐसे नहीं बन सकता, सिर्फ टर्न ही तो किया है. ठीक है, तो यहाँ से ये 6 हो गया. एक आपका आर बनेगा, ये देखिएगा, ये वाला सेंटर पे. अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 39. तो जितने लोगों का 39 था उनका सबका सही था. चलो फिर इस क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.